अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है पता है क्या? आप बैंक में जाओगे, मान लेते हैं कि आपको लोन लेना है, लोन लेने जाओगे, मैनेजर बोलेगा डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है बाहर जाओ। फिर आप गार्ड से बात करोगे, यार मैनेजर बड़ा खड़ूस है, इसने तो भगा दिया हमें, हम तो लोन लेने के लिए आए थे, कुछ देखो आप। तो गार्ड ने बोला क्यों परेशान होते हो, मैं बात करता हूँ। कल गए आप भाई साहब गार्ड, आपने बात किया, अरे मैनेजर साहब सुन नहीं रहे, बात कर लेंगे। तो आपने क्या करा, एक 500 रुपए का नोट दिया गार्ड को, बोला आज शाम को आपका डॉक्यूमेंट ओके करवा देंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो उससे ये बात हुई, 500 रुपए का नोट दिया और मैनेजर के पास गया। मैनेजर को बोला कि सर करवा दो, मेरा रिश्तेदार रिश्तेदार है, ऐसे ऐसे करके करवा दो प्लीज। मैनेजर ने बोला चलो इसको लोन दे दो। तो लोन भी ऐसे नहीं मिलेगा, लोन लेने के लिए भी आपको क्या खिलाना पड़ेगा, रिश्वत बोल लो, दलाली बोल लो, ब्रोकरेज बोल लो। तो उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, थोड़ा स्टैंडर्ड नाम देते हैं ना फ्लोटेशन कॉस्ट, ताकि अच्छा नहीं लगे। आप बोलोगे दलाली रिश्वत तो फिर ऐसा लगेगा कि बच्चे को बहकाया जा रहा है, तो नाम मॉडर्न कर दिया फ्लोटेशन। तो अमेरिका में ना रिश्वत वगैरह का आपको पता ही है ट्रेंड कम है, तो वहाँ थोड़ा सा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, कम रहेगा। इंडिया के अंदर सिर्फ यही रहेगा, लोन तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे कम रहता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पहला फायदा फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ब्रोकरेज वगैरह कमीशन वगैरह होता है। दूसरा